जित संग दोसा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता हदुख सुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत् निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत् निर्माण मानहीन स्वाभिमान तो छोड़ना नहीं है लेकिन अभिमानी नहीं होना। हाँ अभिमान रख सकते हो। अहं वेद्मि सुको वेत्ता, शंकर भगवान जी का अहं आया। भीमा भाई कहते प्रभुंक कृपारु संसार सागरे कर वितापण मोर, आगरु कहिछि मोर हानि लाभ जाक सब प्रभुंकर। ऐसे स्तर में पहुंचने वाला उम्मे कह सकते हैं। साधारण कथा कथा में और अभिमानी काम में, गृहश्च में दारश्च में पुत्रश्च में धनश्च में अंतकाली व कुरुति मैं। इसलिए मान को छोड़ दो, मत कर तो अभिमान रे बंदे। मोह सकल व्याधिन्न कर मूला। जो पशु धन दार वाहन स्थावर स्थावर संपत्ति हवेली जो सामग्री तुम्हारा पास है सामान, इसमें मोह मत रखो। भागवत भी कहते हैं ना, जाया सुता दिशो सदा ममतम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। संसार क्षण भंगुर है, इसलिए मान और मोह को त्याग कर दो। जीत संग दोषा, संग दोष से मुक्त रहो। निस्संगी नियंगी निस्संगी जीवन जापन करो। ब्रह्मचर्य व्रत कर पालन करने वाला गुरु के चरण कमल, पिता माता के चरण कमल स्पर्श के अलावा और किसको छूते नहीं। अब कोरोना का माहौल है, अभी लोग हाथ नहीं मिलाते हो क्योंकि वायरस आ जाएगा, हम मर जाओगे, भय है। ये भय से व्रत पालन करते हैं। अमेरिका को हो अफ्रीका को हो सब कहते हैं नमस्कार नमस्ते जय सियाराम जय जगन्नाथ, हाथ मिलाते नहीं। अब संग दोष से मुक्त हो। संग करना, पढ़ाई करने का समय संग में बैठ जाओ, योग अभ्यास करने का समय, एक्सरसाइज करने का समय साथियों का साथ जाओ। मोबाइल में गलत गीत बजाकर हैं दिमाग को मत खराब करो। मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो,
भगवान का भजन सुन सुन के करो, चित्त स्थिर रहेगा, मन में भी भ्रम नहीं आएगा। और दिल बहलाने के लिए जो संगीत है, एंटरटेनमेंट गीत या पबजी वबजी खेलकर नग्न पिक्चर देखकर हैं, बुरो कथा सुनकर क्या जो करते हैं, ये सब वियोग है भाई। सत आचार, आहार, व्यवहार, सत्संग, सदाचार और सत कथा सुनो, तब मान और मोह नष्ट होगा और संग दोष भी नष्ट होगा। अध्यात्म नित्या हर हर दम, अध्यात्म जग में निवृत्त रहो, प्रवृत्त रहो, काम करो, कर्म कर्म करी अभिधनाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। अरे काम तो करना चाहिए ना, विशाखा दत्त कहते हैं अत्राहार अर्थ कर्म कुर्यात अनिंद्यम, ऐसे काम करो, पेट पालन करने के लिए, तुष्टि पुष्टि लाभ करने के लिए काम करो, अन्न में तुष्टि पुष्टि होता है, कुर्यात आहारम प्राण संधारणार्थम, प्राणवायु को रक्षा करने के लिए तुम आहार करो, आहार शुद्ध होना चाहिए, हित मित और रित, भोगे रोग भयम है भर्तृहरि, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि उपनिषद, विचार अच्छे विचार दिमाग में लाओ, चित्त से चिंतन करो प्रभु का चरण कमल का, प्रभु का लीला चरित्र का, अशेष संकलेश समंग विधत्ते गुणानुवादांच भगवान मुरारी, बस काम खत्म, भगवान मुरारी का गुण को अनुवाद करो, बार बार गान करो, मनन करो, चिंतन करो, दिल दिमाग साफ रखो, वाणी स्वच्छ सत्यमय हो, भोजन सात्विक हो, आहार विहार विचार और व्यवहार सबसे समान व्यवहार करो, जिसको जैसा व्यवहार चाहिए, गुरु शिष्य का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, माँ बाप बाप का साथ प्रेम है, भतीजा का साथ प्रेम है, भांजे का साथ प्रेम है, जिसका साथ एक बनिया का पास ग्राहक का प्रेम है, दुकानदार का पास एक खरीदने वाला का पास जमीन बिकने वाला का भी प्रेम है, कौन सा प्रेम स्थायी कौन सा प्रेम अस्थायी, किससे कैसा प्रेम करना, एक बच्चा को प्रेम करना, बीवी को प्रेम करना, और आप जो लव कहते हो ना, ये लव संस्कृत में तो लव मीन पाइबा, पाने के पाना, इसको लव कहा जाता है, मैं ये पाया वो पाया, लेकिन अंग्रेजी का लव लैक ऑफ सरो ओशन ऑफ टीयर वैली ऑफ डेथ एंड एंड ऑफ लाइफ, इसको सोचो, और प्राण को बचाओ श्वास प्रश्वास गति गति विच्छेद प्राणायाम, निश्वास आना जाना अपना मनमानी होता है, इनको कंट्रोल करके अपना मन में लाओ, ये खुद आते जाते हैं निश्वास प्रश्वास, इसको कंट्रोल करो, ये है योगाभ्यास है। कितना दिन बच कर रहोगे, ओहो ज़्यादा दिन बचना चाहिए ना, 100 साल 150 साल, अरे 100 साल के लिए तुम्हें भगवान ने ये 60 दिया, ये चमड़े काले हो पीले हो सांवरे हो गोरा हो, ये चमड़े जो दिया ये 60 है, ये 60 फटते नहीं, फटेगा समय आने पर, वासन से जीर्णानी जथापि हाय हो नवानी गृणाती नरो पर, फिर नया 60 मिलेगा, इसलिए मत सोचो, तमेव विद्वान न विभेति मृत्यु वेद, प्रभु को जानने से प्रभु को प्राप्त होने से और मृत्यु का भय नहीं रहते भाई, मृत्यु का भय नहीं रहते, अध्यात्म नित्या अध्यात्म जोगे न विवेकत चेतसा, भागवत 5वां स्कंद।
अभ्यग अध्यात्म योग में रहो। विनिवृत्त काम, काम से निवृत्त रहो। काम केवल पति पत्नी संग को काम नहीं कहा जाता है। नाक का काम खुशबू लेना, आँख का काम रूप दर्शन करना, धन दर्शन करना, कान का धाम कान का काम है दोनों कान की क्या करते, खाचे मीचे झूठे बाजी बात सुनते, बेकार बात सुनते हैं। मुख माछ मच्छी गांजा सुल्पा बीड़ी हैं, ड्रग्स चरस जाते हैं, चमड़ी सर्दी काल में गर्मी कपड़े पहनते, तितिक्षा नहीं है, गर्मी महीना में कूलर का पानी पीते, एसी में रहते, बारिश में छतरी हैं, और पढ़ाई जो खड़ाऊ है जूता। तितिक्ष भव, सहिष्णु भव, कर्मिष्ठ भव, आलसी मत बनो, लग्जरियस जीवन यापन मत करो, जीवन को बेकार खो जाते हैं, मेहनत करो। मेहनत करने से महंत होते हैं, महांत बिन मेहनत वाला का को कुछ मेवा नहीं मिलते। समाज का सेवा करो, मेवा मिलेगा। विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता, और मन में संशय ना रखो। अन्यथा शरणम नास्ति भजवासुदेवम्, अन्यथा शरणम नास्ति भजवासुदेवम्। दूसर का शरण में मत आओ, वासुदेव का भजन करो। एको देव सर्वभूतेषु गुणः, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, सर्वस्थित सर्वभूतांतरात्मा, सख्यो चेता केवल निर्गुणश्च, सख्यो चेता केवल निर्गुणश्च। वासुदेव का भजन करो, ओही एक है, ओही सार है, सबका पिता माता बंधु भाई गुरु सब कुछ है। राम भजो, श्याम भजो, जगन्नाथ भजो, द्वारका नाथ भजो, शंकर जी का भजन करो। लेकिन एक ही चिंता का सुख दुख और संगी, सुख दुख से असंग रहो। सुख सपना और दुख बुदबुदा, सुख स्वप्न है और दुख पानी का बुदबुद है, ये दोनों नष्टशील है। सुख दुख तो भोग ही करना पड़ेगा, रोग शोक परिताप बंधनम व्यसना निचात्मा अपराध वृक्षण फलायता निधिनाम। आत्मा तो लेकर, जीवात्मा लेकर आए हैं, रोग ये आयु कर्मन च वित्तं च विद्या निधनम एव च, इसको लेकर आए हैं। लेकिन कर्म का वासना, कर्म का फल, आयु मृत्यु हो अपमृत्यु हो प्रयाण हो, किसी भी प्रकार से तो आयु का अंतिमता आएगा ना, निधन। आयु कर्मन च वित्तं च धन, पूर्वजों ने कमाई हुए धन या खुद मेहनत करके प्राप्त हुए धन, विद्या, विद्या कभी नष्ट नहीं होती। पार्थ नैव अहनामुद्रे विनाश दुर्गतिस्तस्य गच्छति, सा विद्या जभिमुक्ति। सत्य विद्या को शुरुआत करने वाला या पालन करने वाला, मानने वाला, जानने वाला का विद्या कभी नष्ट नहीं होती। और कुविद्या का दुर्वासना बढ़ते जाते और जीव फंसते जाते संसार का चक्र में, इसलिए बुराई विद्या से दूर रहो। गच्छन्ति अमूढ़ा, मूढ़ से हो या अमूढ़ से हो, दृढ़ से हो या अदृढ़ से हो, दोनों रास्ता है। पदम अव्ययम तत्, अव्यय पद को प्राप्त होते हैं।
यह गीता का ज्ञान है। यह ज्ञान को अपना लो, अपना जीवन में इस्तेमाल करो, सोचो समझो करो, इस पर प्राप्ति होगा, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य स्थल में तुम पहुंच जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता भगवान की जय। गीता प्रणीता भगवान श्री वासुदेव कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता निर्माण करते हैं ना, इसीलिए माता मम्मी क्या करते, मम्मी पिरामिड बारे छोड़ो, मम्मी तो ये विदेशी भाषा है, माता, माता निर्माता भवती, सबिता प्रसविता भवती, व्याकरण का सूत्र है, ठीक है। प्रभु सबका मंगल करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।